जब शपथ लिए थे तो मेरे से नहीं पूछे थे, इसलिए सवाल मत पूछिए मेरे से। तो अब इस्तीफा दे दिए तो हम क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों देख लिया आपने ये वीडियो दरअसल भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं और खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है बिहार सरकार गिरने पर। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 2020 में सरकार बनाया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया और पलटी मारकर लालू यादव के साथ जाकर मिल गए और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया। खुद तो सीएम बने लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने, जिसके बाद लगातार जो है बिहार सरकार में तमाम बातें हो रही थी, लेकिन इंडिया संयोजक के तौर पर ना बनने पर नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर कर रहे थे और अचानक से फिर से पलटी मारकर एनडीए का हिस्सा हो गए, फिर से मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के दो लोग जो हैं वो डिप्टी सीएम बने, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने। तो वहीं एक और शख्स जो पिछले बार स्पीकर थे वो जो हैं वो कहने कहीं डिप्टी सीएम बने हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही है, तमाम लोगों से सवाल किया जा रहा है। पवन सिंह और गुंजन सिंह जो हैं वो आज टिकट को लेकर जो है नवादा में एक जबरदस्त तरीके का रोड शो और एक बड़ा कार्यक्रम भी किए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार बातें भी कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव से जब सवाल पूछा गया सरकार को लेकर तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दे दिया है जो कि एक डिप्लोमेटिक भी कहा जाए, लेकिन उनके फैंस भी कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं। जी हां, बात करें तो नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मारे हैं उसको लेकर जब खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शपथ तो मेरे से पूछ के नहीं लिए थे, तो आप पलटी मार दिए तो हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं। तो इस तरीके का जवाब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेसारी लाल यादव थे डिप्लोमेटिक अंदाज में देते हैं, जिसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। बाकी जिस तरीके का खेसारी लाल यादव ने खुलेआम तौर पर इस तरीके का बयान दिया है उस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।